वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास टेंथ का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो पिछले चैप्टर में हमने कंप्लीट किया था रिसोर्सेज को, कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके वेरियस टाइप को हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इसके अंदर देखिए, वी शेयर दिस प्लेनेट विद मिलियंस ऑफ अदर्स लिविंग बींग्स, स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया, लीचन्स टू बेनियन ट्रीज, एलिफेंट्स एंड ब्लू व्हेल्स। हम छोटे से लेके बड़े लिविंग बींग्स तक इस प्लेनेट को शेयर करते हैं। दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी। इस पूरे हैबिटेट के अंदर देखिए बहुत सारी बायोडाइवर्सिटीज है, वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, फ्लोरा फौना हमारे पास पाए जाते हैं। वी ह्यूमंस अलोंग विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम इन विच वी आर ओनली अ पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस टर्म फॉर अवर ओन एग्जिस्टेंस। हम इस कंप्लीट ये जो सर्कल चल रहा है, सबका इंटरडिपेंडेंस है इसके अंदर, और हम ह्यूमन बींग्स इसके लिए कंप्लीटली ये मान लीजिए इंटरडिपेंडेंट है आपस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें तो प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो रिक्रिएट करते हैं क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ, द वॉटर वी ड्रिंक एंड सॉइल दैट प्रोड्यूस आवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। वो इन चीज़ों को रिक्रिएट करते हैं, एयर, वाटर और सॉइल को, और इन तीनों के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। बिकॉज हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था लैंड रिसोर्स, और लैंड रिसोर्स के बाद हमने कंप्लीट किया था सोयल एज अ रिसोर्स। तो हमने देखा था वहाँ पर कितना इंपॉर्टेंस है इनका। तो इसके बाद देखिए, फॉरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम में, ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है इसको बनाने में। और आप देखेंगे कि भाई प्राइमरी प्रोड्यूसर है ये ऑर्गेनिजम्स का, जितना भी फूड है वो हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है। इसके बाद देखिए, अभी ये बायोलॉजिकल वर्ड बार बार आ रहा था, तो बायोडायवर्सिटी भी हम देख लेते हैं इसके बाद, कि बायोडायवर्सिटी और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी क्या होता है। इट इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेट स्पीसीज, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क्स ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। ये बोल रहा है कि बायोडायवर्सिटी एक वो टर्म है जिसको दर्शाया जाता है किसी भी रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड बहुत सारी, जहाँ पे स्पीसीज हो, जहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ पाई जाती हो, जो डाइवर्स हो, मीन्स जिसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटी में हमें वेरियस स्पीसीज मिलती हो, लेकिन वो आपस में इंटीग्रेटेड हैं, अटैच्ड हैं, मल्टीपल नेटवर्क्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस, वो आपस में डिपेंड करती है एक दूसरे से। सो इसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, इसको हम शामिल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पैराग्राफ है जो फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। अगर हम देखें, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, ट्रीज की बात कर रहे हैं बेसिकली, और फौना ये एनिमल्स की बात कर रहे हैं। और इसके अंदर अगर हम देखते हैं, इफ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड देर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन योर एरिया। हमारे आसपास अगर हम देखें तो यूनिक प्लांट्स हमें, एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं, हर जगह नहीं लेकिन कहीं ना कहीं यूनिकनेस जरूर आएगी, कई जगह सेम टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स भी पाए जाते हैं। इनफैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट, इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की टर्म में, बहुत सारी यहाँ पर स्पीसीज पाई जाती हैं, और लगभग 8% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड, लगभग वर्ल्ड की 8% टोटल स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं, जो कि 1.6 मिलियन यानी ये लगभग 16 लाख स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं। दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस ऑफ द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। और बहुत सारे एरियाज को तो अभी डिस्कवर किया भी नहीं गया है, जहाँ पर सर्वे हुआ नहीं है, और ये सिर्फ ये मान लीजिए बहुत ही कम अमाउंट अभी तक हमें पता चली है, अभी और भी स्पीसीज इंडिया में बाकी हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल अबाउट द एक्सटेंट एंड वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। आपने अभी तक फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ लिया है। यू मे हैव रियलाइज्ड दैट इंपॉर्टेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस आपने पिछले चैप्टर वन में हमने कर ली थी, कि रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट क्यों है, उनको कंजर्व करना जरूरी क्यों है। तो इसीलिए डाइवर्स फ्लोरा और फौना भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमें ग्रांट में नहीं मिले ये भी, ओके, एज कम्पेयर टू अदर रिसोर्सेज। और बट लेटली देर आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू अवर एनवायरमेंट। लेकिन बहुत सारे प्रेशर की वजह से इनके, मीन्स ये मान लीजिए बहुत सारा हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये भी खतरे में है। अभी आप डूइन में देखेंगे, ओवर 81,000 species of fauna एंड 47,000 species of flora आर फाउंड इन कंट्री सो फार।
ऑफ द एस्टिमेटेड, इनमें से जो एस्टिमेटेड है लगभग 47,000 तो हमारे पास प्लांट्स की स्पीसीज है और लगभग 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज है। ओके, और जो इंडिग्नियस है मीन्स इंडिया की खुद की स्पीसीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद देखिए, सम एस्टिमेट्स सजेस्ट दैट एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेटन लिस्ट। किसी, ये मान लीजिए सजेशन, ये कुछ एस्टिमेट्स किए जाते हैं वेरियस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, उनके द्वारा जो एस्टिमेट किया गया है उसमें पाया गया है कि लगभग इंडिया के अंदर जितनी भी फ्लोरा की स्पीसीज है उसमें से 10% और मैमल्स में से 20% स्पीसीज है ना थ्रेटन सिचुएशन में है, मीन्स खतरे की कगार पर है वो। मैनी ऑफ दीज वुड नाउ बी कैटेगराइज, और अब तक वो क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच गए होंगे, लाइक चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट एंड प्लांट्स लाइक मेडुका इंसिगिया। ओके, इंसिग्निस, मेडुका इंसिग्निस ये प्लांट, और आगे हम देखेंगे इसका अ वाइल्ड वेराइटी ऑफ महुआ, महुआ की एक वाइल्ड वेराइटी, एंड ह्यूबर्डिया हेप्टेनिरोल, अ स्पीसीज ऑफ ग्रास, ग्रास की एक स्पीसीज। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो बताए गए हैं कि ये थ्रेटन सिचुएशन में पहुंच चुके हैं और अभी तक इनमें से कुछ क्रिटिकल सिचुएशन में भी पहुंच गए होंगे। इनफैक्ट नो वन कैन से हाउ मेनी स्पीसीज में हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट, लेकिन कोई अभी तक ये नहीं बता सकता एक्यूरेटली कि हमने कितनी स्पीसीज खो दी हैं, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि कोई स्पीसीज काउंट ही नहीं की गई हो और वो लॉस्ट हो गई हो, पता भी नहीं चलता है। टुडे वी ओनली टॉक ऑफ लार्ज एंड मोर विजिबल एनिमल्स एंड प्लांट्स, हम देखते हैं जो बड़े बड़े प्लांट्स एनिमल्स हमें पाए जाते हैं उनकी ही हम बात करते हैं कि उनमें से कौन एक्सटिंक्ट है, कौन वहां पर प्रेजेंट है, लेकिन स्मॉलर्स की बात नहीं की जाती है। अभी हम डू यू नो देखते हैं। डू यू नो द अमंग द लार्जर एनिमल्स, अगर हम लार्ज एनिमल्स की बात कर ले इंडिया के अंदर, 79 स्पीसीज, देखिए मैमल्स की कितनी स्पीसीज हमारे पास, देखिए 79 स्पीसीज, और बर्ड्स की कितनी, 44 स्पीसीज, रेप्टाइल्स के हमारे पास 15 स्पीसीज है, और 3 स्पीसीज हमारे पास एम्फीबियंस की, वो थ्रेटन्ड सिचुएशन में है। नियरली 1500 प्लांट्स की स्पीसीज भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें, वर्टिब्रेट जिनकी स्पाइनल कॉर्ड होती है एनिमल्स की बात करें तो वो भी एक्सटिंक्ट का रेट उनका लगभग 5200 टाइम्स माना गया है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये एक फैक्ट है जो जानना बड़ा ही जरूरी है, बिकॉज जब तक इन बातों की नॉलेज नहीं होगी कि क्या चीजें एक्सटिंक्ट की कगार पर हैं, वी विल इंडिस्क्रिमिनेटली यूज द रिसोर्सेज। ओके, सो वी नीड टू कंजर्व देम। वैनिशिंग फॉरेस्ट, अब हम फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं एक बार। द डाइमेंशंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अगर हम डिफॉरेस्टेशन देखें, पेड़ की कटाई जो की जा रही है इंडिया में, देखिए फॉरेस्ट कवर इंडिया का लगभग 6,37,293 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 6,37,293 स्क्वायर किलोमीटर था, इन विच इज लगभग ये था 19.39% था टोटल जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये बात है 1999 की। तो 1999 के हिसाब से हमारे पास प्लांट फॉरेस्ट का जो कवर था वो था 19.39%। द डेंस फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज्ड, 1997 के बाद डेंस फॉरेस्ट कवर एरिया तो बढ़ गया, हाउएवर दिस अपेरेंटली इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इज ड्यू टू प्लांटेशन बाई डिफरेंट एजेंसीज, ये डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा ग्रोथ की गई है। द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एक रिपोर्ट आती है सरकार की, डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन, वो नेचुरल फॉरेस्ट जो नेचुरल है और प्लांटेशन जो उगाए गए हैं उनके बीच में डिफरेंस नहीं करती है। देयरफॉर दीज रिपोर्ट्स डू नॉट डिलीवर द वे डू नॉट डिलीवर द मेन, ये मान लीजिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता चलती कि जो नेचुरली फॉरेस्ट पाए जाते थे उनमें से कितने कम हुए हैं और हमने कितने ग्रो किए हैं, तो इसका हमें पता नहीं चलता, हमें जस्ट एक परसेंटेज पता चलती है कि हमारे पास इतना है, तो माइट बी वो हमें ग्रोथ दिखे और माइट बी वो हमें डिक्लाइन दिखे। ओके, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अभी देखिए IUCN, IUCN यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन IUCN, तो IUCN की जो फुल फॉर्म आ जाती है, जो ये एब्रिवेटेड टर्म है इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अभी हम इसके आगे पढ़ते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीसीज जो IUCN क्लासिफाई करता है। तो IUCN क्लासिफाई करता है, सबसे पहली स्पीसी है जिसके अंदर स्पीसीज है नॉर्मल स्पीसीज, तो देखते हैं हम नॉर्मल स्पीसीज को।
स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल। नॉर्मल स्पीसीज में वो स्पीसीज आती हैं जिनकी, ये मान लीजिए जिनकी पॉपुलेशन नॉर्मल मानी गई है कि यस इतनी पॉपुलेशन में सर्वाइव कर लेंगे। जैसे कैटल्स, हमें कैटल्स देखिए बहुत सारी देखने में मिलती हैं। अगर कुछ कैटल्स की डेथ हो जाती है तो भी हम उनको थ्रेटेंड या एक्सटिंक्ट में नहीं काउंट करते, बिकॉज उनकी पॉपुलेशन ही बहुत है। साल ट्री, पाइन, रोडेंट्स, ये बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो जिनकी पॉपुलेशन एक इतनी है कि अगर उनमें से कुछ किसी एरिया में ख़त्म भी हो जाते हैं तो भी उनकी पॉपुलेशन कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट नहीं होगी। इसके बाद आती है एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है नेक्स्ट, बिकॉज नॉर्मल स्पीसीज तो बिल्कुल एक सिंपल डेफिनेशन थी। एंडेंजर्ड स्पीसीज में देखिए, दीज आर स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जो खत्म होने की कगार पर खड़ी हैं, जिनकी पॉपुलेशन इतनी कम है कि वो कभी भी खत्म हो सकती है अगर उनका इंडिस्क्रिमिनेटली, ये मान लीजिए उनका कंजर्वेशन नहीं किया गया। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव, कुछ जो इनके खिलाफ जो फैक्टर चल रहे हैं जैसे पेड़ों को काटना, पोल्यूशन, इन ये टाइप की चीजें अगर चलती रही तो ये एक दिन एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज वो हैं विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जो एक्सटिंक्शन के कगार पर खड़े हैं। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास ब्लैक बक, उसके बाद है क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन, टेल मकाओ, सेंगाई। तो इस टाइप के ये कुछ एनिमल्स, प्लांट एनिमल्स हैं जिनके बारे में जिनको एंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है। उसके बाद आती है हमारे पास वल्नरेबल स्पीसीज। तो आगे देखते हैं हम, वल्नरेबल स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड टू लेवल्स फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू एंडेंजर्ड कैटेगरी इन नियर फ्यूचर। अभी देखिए एंडेंजर्ड जो कैटेगरी हो जाएगी, हमने ऊपर पढ़ी थी, वो एक्सटिंक्ट के पास हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वल्नरेबल कौन सी कैटेगरी है, वो इसके यहाँ पर नीचे है मान लीजिए। और वल्नरेबल अगर कोई स्पीसीज आती है वल्नरेबल के अंदर, इसका मतलब क्या है कि उसकी पॉपुलेशन इतनी घट गई है कि कुछ टाइम के बाद वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे। और एंडेंजर्ड कैटेगरी का आपको पता है कि कुछ टाइम के बाद वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर वो नेगेटिव फैक्टर्स चलते रहे तो। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट एंड गैंगेटिक डॉल्फिन। अभी आप देख रहे हैं रिसेंटली गैंगेटिक डॉल्फिन को दोबारा से ये मान लीजिए पाया गया है गंगा नदी में, और ये इसीलिए बिकॉज उसकी अब साफ सफाई चल रही है रिवर्स की और बहुत सारे एक्शन ले रही है गवर्नमेंट इनके, इनका इंडिस्क्रिमिनेट यूज ना हो रिवर्स का, पॉल्यूशन ना बढ़े, तो इसीलिए अब दोबारा से हम देख सकते हैं कि इनकी ग्रोथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन बहुत ही स्मॉल है, जो ये मान लीजिए या तो उनको एंडेंजर्ड या वल्नरेबल में किसी में भी हम मूव कर सकते हैं अगर नेगेटिव फैक्टर चल पड़े, बिकॉज है ही बहुत ही लेस अमाउंट उनकी पॉपुलेशन है, तो लेस अमाउंट है तो अगर थोड़े से नेगेटिव फैक्टर बढ़े तो वो किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं। इनके एग्जाम्पल है जैसे हिमालयन ब्राउन बियर, आप देख सकते हैं हिमालय में पाए जाते होंगे तो डेफिनेटली इनकी पॉपुलेशन लेस होगी। वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगली कैटेगरी है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज अगर आप देखें तो दीज आर द स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज, यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचर और जियोग्राफिकल बैरियर्स। तो एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती है, एंडेमिक स्पीसीज वो होती है जो पर्टिकुलर किसी एक एरिया में ही पाई जाती है, बिल्कुल अलग थलग। जैसे मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ये बहुत बड़ी स्टेट है मान लीजिए, और इसी स्टेट के यहाँ पर एक फॉरेस्ट है और यहाँ पर ये स्पीसीज पाई जाती हैं बस, और किसी स्टेट में मान लीजिए नहीं मिलती। तो देख लो इनको बचाना बड़ा ही जरूरी हो जाता है। अगर आप एग्जांपल देखें तो हमारे पास देखिए अंडेमान टील यानी अंडेमान में मिलेगी, निकोबार पिजन निकोबार में मिलेगा, अंडेमान वाइल्ड पिग। तो ये प्रकार से आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में, यूनियन टेरेटरीज में, किसी एक पर्टिकुलर यूनियन टेरेटरी स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दीज आर द, आगे है हमारे पास एक्सटिंक्ट स्पीसीज। अगर हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज को देखें, दीज आर द स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्च ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे में अक्कर। तो ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज में वो स्पीसीज आ जाती हैं जिनको उनके एक पर्टिकुलर प्लेस एरिया में अगर हम सर्च कर रहे हैं और वो बिल्कुल वहाँ पे पाई नहीं जा रही, मीन्स एंडेंजर्ड होने के बाद वो खत्म हो चुकी है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड डक, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अगर हम एशियाटिक चीता के बारे में देखें, Where did they go? The world's fastest land mammal, the cheetah,
जिसका एक साइंटिफिक नेम है एकिनोक्सी जुबेंटस। एकिनोक्सी जुबेंटिस इज अ यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड मेंबर है कैट फैमिली का, और जिसकी कॉमन स्पीड, ये स्पीड मानी जाती है 112 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी 112 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है इसकी, काफी तेज है। चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर अ लेपर्ड, लेपर्ड की तरह माना जाता है इसको कई बार, लेकिन डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स, कुछ मार्क्स होते हैं इनकी, कुछ अलग अलग इनकी जो नोज होती है, शेप लाइंस, नोज के साइड में शेप लाइंस होती हैं जिनसे इनको पता लग सकता है कि ये चीता है। प्रायर टू द 20th सेंचुरी चीताज वर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट एशिया एंड अफ्रीका। लगभग 20th सेंचुरी में एशिया और अफ्रीका में बटे हुए थे। टुडे द एशियाटिक चीता इज नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू टू वेरियस हैबिटेट डिक्लाइन एंड प्रे, और इंडिया में इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था 1952 के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज पार्ट, वी हैव कंप्लीटेड पार्ट वन टुडे एंड होप यू लाइक द वीडियो। सो जाने से पहले चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो थैंक यू।